आए हैं कुंदरू करायला तोरण। जाते जाते कुंदरू बा आवा मम्मी। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं लखनऊ। ये है पार्किंग। भूल है क्या? ये खाली है। आइए स्वागत है। नीचे बहुत सारी चीजें हैं। ओह पब्लिक प्लेस पे हमें ब्लॉग स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है। सब रोज आ रहा है, इधर ही देखते हुए जा रहा है। तो मैं आपको सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ब्लॉग में। शाम के बजे हैं 6:15 हम लोग आए हैं के बुला के। पापा का बड़ा मन था, मैंने इसको उसका पार्ट लेने का भी आता था। नंबर 1 से एंट्री। बताइए कि हाल चाल मिस्टर पांचाल। ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी देर से चली, बाल बाल सब खुल गया। हम लोग इतने अच्छे से तैयार होके आए थे। हम लोग वापस चलो हमने दीप से बोला कि कुछ बनवा लो, कुछ खा लिया जाए। चल रहे हैं, पापा जी वहाँ हैं तो फिर सिर ढकना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे चलो देखते हैं। पता है गाड़ी दिखी थी इधर ही ना? हाँ एक तो थी। मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि मैंने दीप से बोला एक काम करो मैगी ऑर्डर कर दो। तो यहाँ पर मैगी आ गई है और मैंने मेरे लिए नहीं मंगाया हुआ था। तो प्रत्यूष वाले में से थोड़ा सा दीप ने बोला कि थोड़ा सा लेके तुम खा लो। और मैं आपको दिखा रही हूँ, नेहा नंदन कहाँ खा रहे हैं, अभी तो मेरे पास ही बैठे हैं। इतना ली हैं फिर भी इनको और चाहिए। आप भी दो। मेरा तो मैं तो आधा बांट दी मतलब मैं ना खाऊं। वहाँ क्यों बैठ रहे हो बे, यहाँ जगह नहीं है। तो नेहा नंदन ने भी खा लिया, अब हम लोग चल रहे हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और आपको पता ही है कि मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। हमने सोचा था कि वहाँ पर मिल जाएगी बैटरी वाली जो कार नहीं होती है, लेकिन अभी उनका टेंडर ही नहीं पास हुआ है तो नहीं था। यहाँ पर पापा का कुछ फ़ोटो निकाला जा रहा है क्योंकि पापा फर्स्ट टाइम यहाँ आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो जो है फ़ोटो फैमिली फ़ोटो हो जाती है यहाँ पर। आए थे क्या सोच के, आंधी तूफान सब आ गया, कुछ नहीं हो पाया। हाँ मैगी खाए थोड़ी, बाकी उधर चलते हैं अपन, घर से घूम के उधर चलते हैं, ठीक है। ओके बाय। अब हम लोग चल रहे हैं वापस। प्रत्यूष को देखो कितनी मस्ती कर रहा है। यहाँ पर पापा जी खड़े हुए हैं, मेरे ससुर जी। रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है पार्क, तो आप लोग जाके घूम सकते हो अगर लखनऊ से हो तो। ये देखिए दो दो पेशेंट, एक तो मैं पेशेंट हूँ ही और पापा भी यानी ससुर जी भी, कोविड चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दीप हम दोनों को पकड़ के लेके आ रहे हैं। इसके बाद दीप बोले तुम लोग उधर से चलो, मैं कार पार्किंग से लेके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप लोग जाके एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर देना, लाइक करना भूल जाते हो। तो हम लोग आ गए हैं गेट के बाहर, दीप हमारा वेट कर रहे थे। फिर हम लोग बैठ गए कार में, इसके बाद निकल दिए घर की तरफ। तो घर चल के आप लोगों से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 8:30 देखिए, और जस्ट हम रूम पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। एक काम करते हैं हम ड्रेस चेंज कर लें जो हमने पहना हुआ है, इसके बाद फिर आप लोगों से। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स आज मैं कई दिन बाद कैमरा उठा रही हूँ। जो स्टार्टिंग का आपने वीडियो देखा ससुराल वाला, वो वीडियो 18 तारीख का है, और इसके बाद जानेश्वर मिश्रा वाला कुछ दिन पहले का है। तो इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद मेरी जो हालत थी एकदम ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मुझे ट्रैवल करना ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पहले पसंद था, बट अभी मैं देखिए मेरा कितना दिखने लगा है। तो अभी मुझे ट्रैवल करना नहीं पसंद आता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमें करनी पड़ती हैं क्योंकि कोई हमें समझने वाला है नहीं। तो जब हम वहाँ से आए थे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और पापा जी आए हुए हैं तो कुकिंग वगैरह सब मुझे ही देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग मैंने नहीं बनाया हुआ है, बनाया हुआ है, बट ये वाला ब्लॉग मैंने सोचा पहले एंड कर दूं। और कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी एंड नहीं करूँगी। आज मैंने कैमरा क्यों उठाया आपको बता दूँ। आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, और आज मुझे प्रियादीप के लिए एक वीडियो शूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट करना ही है तो चलो ब्लॉग भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, आएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, पता है बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं। आप लोग 10 मिनट देख के जाते हो, लेकिन उस 10 मिनट की वीडियो को बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आज लाइक कर देना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी आप लोगों से। तो चलो कुछ देर बाद आप सभी से मिलते हैं। मैं क्या बोलती, शाम के बज रहे हैं 6-5 मिनट बाकी हैं, और अब मैं शूट करने जा रही हूँ प्रिया दीप के लिए वीडियो। मेरा पूरा सेटअप लग गया, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मे बी मेकअप लुक आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि मेकअप लुक मेरा पहले जाएगा, ब्लॉग बाद में जाएगा। तो चलो फटाक फटाक से हम काम करते हैं, इसके बाद आप सभी से मिलेंगे। यहाँ पर लगा है मेरा कैमरा, और ये है सॉफ्ट बॉक्स एक, और एक रिंग लाइट, और एक ही वाली लाइट। यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल के रखा है जो मुझे यूज करना है, और ये मैं हूँ। तो चलो फटाक से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 8:30, और वीडियो शूट करके मेरी हालत इतनी खस्ता हो गई है ना कि पूछो मत। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस व्लॉग का एंड कर दूँ। आपने वो मेकअप लुक देखा कि नहीं देखा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पहले वो मेकअप लुक जाएगा, बाद में व्लॉग जाएगा। हालत मेरी बहुत ही ख़राब हो गई। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।